So what's up guys, kya haal hai, assalamu alaikum and welcome back to a new classic video with King Babar Azam. King is like keh raha hu kyunki maine Virat Kohli ko legend ka naam diya. So legend ye king mere liye kyunki usne records ke bharmar khade kar diye aur ye records banate ja raha hai. To dono mein like antar hai. So baat simple thi ki Babar Azam ne kal raat 11 baje captaincy se resign de diya aur BCB ne aaj subah resign pe tappal lag ke liye ki accepted, you are out of captaincy. So बंदा ग्राउंड में आया है आज और प्रैक्टिस सेशन की क्लासिक सिनेमैटिक सी वीडियो बनी है इसकी. तो वो देखते हैं और देखते हैं कि बाबर आजम जो ना प्रैक्टिस सेशन में कैसे दिख रहे, कूल काम दिख रहे या लाइक बहुत से हल्के होकर रिलैक्स दिख रहे, मींस एग्रेशन से हल्के होकर और या एग्रेशन में. इफ यू गाइस आर न्यू ऑन माय चैनल सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट इन द वीडियो सेक्शन. टिल लेट्स सिट विद मी एंड हियर वी गोना स्टार्ट द वीडियो. किंग बाबर आजम बैटिंग के लिए और आ रहे हैं, दो बैट्स पकड़े हुए हैं बाबर आजम ने. ग्रैंडिकुलस जायद महमूद के किंग हैं बाबर आजम. जायद महमूद आगे बढ़ के शॉट मारी बाबर आजम ने, सीधी शॉट. दूसरा कौन, दूसरा ये ग्रीनिंग वाले स्कूल लाइक लंबा मतलब दूरी से देखा जाए ना तो लाइक एस तक काइंड ऑफ फ्रेड एस लाइक एस एस के ब्रांड की तरह. किसका बैट उठा लिया किंग बाबर आजम बैटिंग के लिए और आ रहे हैं दो बैट्स पकड़े हैं बाबर आजम ने. ये देख रहे हैं स्पिन बॉलिंग अगेंस्ट बाबर आजम बैटिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं किंग बाबर आजम. अब देखना ये होगा कि क्या होता है ना, बंदा कूल काम के बाद पहली एग्रेशन में प्रैक्टिस सेशन हम आपको दिखा रहे हैं बाबर आजम की. किंग बाबर आजम की बैटिंग प्रैक्टिस. ओ क्लब क्रिकेटर ने बॉल को लेग साइड की तरफ खेली बाबर आजम ने. जैसा कि आपको पता है बाबर आजम ने रिटायरमेंट ले लिया है T20 और वनडे से. रिटायरमेंट नहीं, रिजाइन ले लिया. अब सिर्फ उनका फोकस होगा बैटिंग प्रैक्टिस की तरफ, अपने परफॉर्मेंस बहाल करने के लिए. आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं किंग बाबर आजम. जायद महमूद आए बॉल करने के लिए बाबर आजम को. किंग बाबर आजम अच्छी शॉट लेग साइड पे. किंग बाबर आजम की शॉट अच्छी थी या नहीं, बॉल बहुत अच्छी थी, एक्यूरेट लेंथ. क्या बाबर आजम इस टेस्ट मैच में कोई बड़ी इनिंग खेलने में कामयाब होंगे? टू टर्न चैंपियन कप में तो उन्होंने सेंचुरी मार दी थी फैसलाबाद में जो चैंपियन कप हुआ था. ओ अच्छी शॉट बाबर आजम. जाहिद महमूद उन्हें बॉल करते हुए मुल्तान स्टेडियम के आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं. पहला दिन है ट्रेनिंग सेशन का आज. सीधा शॉट बाबर आजम का. जो बाबर आजम ने इस टेस्ट में कोई एक सेंचुरी भी मार दी तो समझे परफॉर्मेंस बाल हो गई है उनकी, फॉर्म में वापस आ चुके हैं. जो 2023 से उनका बैड टाइम चल रहा है लेकिन चैंपियन कप फैसलाबाद में उन्होंने अच्छा स्कोर किया था, सेंचुरी भी मारी थी एक, जिस पर उसमें सरफराज अहमद ने कहा था खेलने दो बाबर आजम को, खेलने दो 40 के 40 ओवर दूसरी साइड से आउट करेंगे. याद है लेकिन उसी मैच ने बाबर आजम की इनिंग ही जिता गई थी अपनी टीम को. ओ आगे बढ़े दो कदम और ऑफ स्टंप पे शॉट मार दी बाबर आजम ने. किंग बाबर आजम, हम तो उन्हें किंग ही कहेंगे क्योंकि पाकिस्तान के किंग हैं बाबर आजम, नंबर वर्ल्ड बैट्समैन हैं, दुनिया मानती है उनकी कवर ड्राइव को बाबर आजम की. बाबर आजम ने अपना बैट भी चेंज किया है, अनकवर्ड है. ओ सीधी शॉट बाबर आजम की और मुझे लग रहा है कि बाबर आजम ने अपना स्टाइल भी चेंज किया है.
रिलैक्स होकर बाबर आजम खेल रहे हैं, उनकी बॉडी से लग रहा है कि अब वो रिलैक्स हैं, कप्तानी का बोझ उनके उनसे हट चुका हुआ है, सिर्फ टू सिर्फ उन्होंने बैटिंग पे फोकस करना है। रिलैक्स लग रहे हैं बाबर आजम चेहरे से, हम आपको क्लोज करके दिखाते हैं। ओ लेग साइड की तरफ फिर शॉट मार दी बाबर आजम ने। यार प्रैक्टिस फास्ट बॉलर को अच्छी लगती है किंग बाबर आजम, मतलब फास्ट बॉलिंग की बॉलिंग को अच्छी लगती है। बहुत ही गर्मी है मुल्तान में, इतने मजा नहीं आता इनमें। बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहे हैं बैटिंग प्रैक्टिस, जैसा कि आपको पता है 3 टेस्ट मैच खेले जाने हैं, 2 मुल्तान में 1 पिंडी में, और फुल टॉस बॉल था। जायद महमूद आगे बढ़ के शॉट मारी बाबर आजम ने, सीधी शॉट, किंग बाबर आजम बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए। कुछ हम बाबर आजम की आपको हिस्ट्री बताते हैं कप्तानी के हवाले से। जैसा कि आपको पता है बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया हुआ है, उन्होंने सोशल मीडिया पे उन्होंने रिज़ाइन किया था, पाकिस्तान की टीम के कप्तानी से रिज़ाइन करता हूँ, इसके बारे में बोर्ड को 1 महीना पहले ही आगाह कर दिया था। इस टीम की क़यादत करना आजाज की बात है, ये बाबर आजम ने अपने ट्वीट में कहा था। लेग पॉजिटिव बात है, अब वक्त आ गया है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूं, अपने खेल की तरफ तवज्जो दूं, फोकस सारा बैटिंग की तरफ करूं। ये बाबर आजम ने सोशल मीडिया पे कहा था जब रिज़ाइन किया था। कप्तानी का एक फ़ायदा मंद तजर्बा रहा, लेकिन इसने पर काम का बोझ में इजाफा किया हुआ था। जैसा कि आपको पता है कप्तान पूरी टीम को लेके चलता है, अब बाबर आजम एज ए बैट्समैन खेलेंगे, कोई भी मैच हो, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, कप्तानी का बोझ उनसे हट चुका हुआ है। इन्हें एक दफ़ा जकाशरफ के दौर से भी कप्तानी से हटाया गया था, शहन शाह अफरीदी को लगाया गया था। शहन शाह अफरीदी को बहुत ही मुख्तसर दौर के लिए लगाया गया था, मुख्तसर वक्त के लिए, जब मोहसिन नकवी दोबारा चेयरमैन बने और बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बना दिया। ऑफ स्टंप की तरफ शॉट कवर ड्राइव, लेकिन 2024 के वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी नहीं रही टीम में, उससे भी मायूस थे। फिर बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ हार गए शान मसूद की कप्तानी में, वो तो परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, उसे दिल बर्दाश्त हो गया, बाबर आजम ने रिज़ाइन कर दिया। लेकिन टीम को नंबर 1 भी पाकिस्तानी टीम को बाबर आजम ने ODI और वनडे में, ODI और टेस्ट T20 में बनाया था, खुद भी नंबर 1 बैट्समैन आ चुके हैं बाबर आजम ODI और T20 भी है। किंग बाबर आजम अपनी कवर ड्राइव से मशहूर हैं। वो बाबर आजम ने कहा पाकिस्तानी टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी से अलग हो के अब अपनी खेल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे सकूँगा, और वो एक खिलाड़ी की तौर पर पाकिस्तानी टीम का अपना किरदार अदा करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही है। जो कि लाइक प्रैक्टिस सेशन है मुझे पसंद है, वो लाइक बेटर टू फास्ट बॉलर का होता है, लाइक बेटर टू जस्ट लेग ब्रेकर और ऑफ ब्रेकर, ये लाइक इतना लाइक वो चकास नहीं लगता। चकास तो तभी लगेगा ना जब फास्ट बॉलर आएगा और सीम से मार के इन स्विंग आउट स्विंग कराएगा और बैटर को कंफ्यूज करेगा। और अगर स्विंग की बात करें तो लाइक यहाँ पर इस तरह के स्विंग है नहीं, स्विंग बॉलर है नहीं, जो कि लाइक मिसाल दूँ तो अफगानिस्तान की ले ले, जो कि आजकल उनके पास क्लासिक लेवल की स्विंग्स है, स्विंग्स बॉलर है, और लाइक तरह तरह की वेराइटीज है उनके पास, लेग ब्रेकर है, चाइना मैन है, ऑफ ब्रेक है, ऑर्थोडॉक्स है, सब है। बट पाकिस्तान के पास बेटर क्वालिटी के इस तरह के कुछ नहीं है। जो कि फर्स्ट बॉलर थे वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, और जो कि बैटर है वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, तो टीम दस रही है दलदल में। माइट बी देयर इज अ होप कैप्टेंसी के बोझ से हल्का होने के बाद माइट बी कि ये बंदा जो है ना अब परफॉर्म कर लो, पाकिस्तान की टीम को थोड़ा जोश आ जाए और गैरत उठ कर
काम पे लग जाए कि चलो भाई अब जो है ना हमने भी कुछ करना है। सो आज की वीडियो में बस इतने ही। फ्यू गाइस आर न्यू इन माय चैनल सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल कमेंट इन द बिलो सेक्शन टू दिस चैनल विद मी एंड टाटा बाय बाय।